नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा देर शाम धामपुर पहुंची। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनविश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद रहे, जिनका फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि का कार्यकर्ताओं ने फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उपस्थित साथियों, दिसंबर 19 कड़कड़ाती हुई ठंड, शायद टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री। अभी हम दूसरी विधानसभा में, ईसा के 3 विधानसभा में और जाना है मुझे। 2017 की परिवर्तन यात्रा में मिली जनपद में बिजनौर में रहने का सौभाग्य मिला। जो जोश अक्टूबर 2017 की यात्रा में था, 2016, उससे ज्यादा जोश इस बार मुझे दिखाई देता है। और धामपुर विधानसभा में जब से घुसे हैं, युवा कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल पर सवार थे और चारों तरफ ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का माहौल। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में एक नए ठगबंधन का उदय हुआ है। कई पार्टियों ने मिलकर एक ठगबंधन बनाया है और इस ठगबंधन का एक ही काम है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, जो गुंडाराज, जिसकी समाप्ति 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई थी, ये ठगबंधन के लोग ये दोबारा उसी हालात में उत्तर प्रदेश को लाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश को उसी गुंडाराज के अंदर लाना चाहते हैं जिस समय दंगा हुआ करते थे, जिस समय उत्तर प्रदेश से पलायन था और जिस समय उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार था। गुंडों की सरकार थी, गुंडों की, थाने अपराधी चलाते थे 2017 से पहले। इन 5 सालों में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बदलाव के लिए 5 साल और चाहिए। ये 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इस उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, इस उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए। मोदी जी और योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इन 5 साल में और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार ना हो। नेताओं का भ्रष्टाचार तो दूर हो लिया, अधिकारियों का थोड़ा सा बच रहा, अगले 5 साल में इनका भी भ्रष्टाचार योगी जी दूर कर देंगे, मोदी जी दूर कर देंगे। मेरा निवेदन है, चुनाव बिल्कुल सिर पे है और चुनावी संघर्ष में हम उतर चुके हैं। भाई अशोक राणा जमीनी नेता है, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है सभी भाइयों से कि सबके बीच में जाओ। अगर कोई नाराज भी है तो पूछो, 5 साल में, इन 5 साल में सरकार कैसी चली, सपा के 5 साल की सरकार कैसी रही, बसपा के 5 साल की सरकार कैसी रही। राज्य हित में और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अतिथियों का सिख समाज द्वारा शॉल उड़ाकर और तलवार भेंटकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नगीना चौक पर जनविश्वास यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।